चलिए अभी आपकी नई बुक स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में सबसे पहला टॉपिक सी एथिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं भी एथिक्स होते क्या हैं। मे बी शायद आपने पहले भी नॉलेज में रखा होगा अभी, व्हाट इज द एथिक्स, बोलो। एथिक्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनकी जड़ भी बोल सकते हैं, या फिर हमारी जो अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी मॉरल जजमेंट्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, जो जहाँ हमारी परसेप्शंस लेवल्स हैं, ये सब कुछ किसी भी पर्सनल बंदे के करेक्टरिस्टिक में जब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं उसको उसके एथिक्स ही बोलते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। जब बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे तो बिजनेस के रूल्स एंड एथिक्स होंगे, मीन्स बिजनेस का बिहेवियर, बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस के प्रेडिक्शंस। जब नॉर्मल एथिक्स की बात करते हैं किसी सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगल पर्सन की वैल्यू क्या है, उसकी अपने जजमेंट लेवल क्या है, उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, कुछ भी हम बोल दें हैं। मॉरल बिहेवियर सिंपल वर्ड में बोलोगे तो एथिक्स को मॉरल बिहेवियर भी बोल सकते हैं। एथिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मोरल्स। मोरल्स क्या होते हैं, मोरल्स हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस, या फिर हमारा इंडिविजुअल करेक्टर्स, या फिर हमारे डिस्पोजिशन। जब भी एथिक्स की बात की जाएगी तो एथिक्स में सबसे पहले हमारे मोरल लेवल आता है। हमने शायद पढ़ा भी होगा मोरलिटी लेवल, किस बंदे का क्या करेक्टरिस्टिक है, उसका डिस्पोजिशन लेवल क्या है, उसको बोलते हैं मोरलिटी लेवल। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल, एथिक्स और डिफरेंस में डिफरेंस क्या, एथिक्स हम मैंने पहले बोल दिया कि किसी बंदे का नॉर्मल बिहेवियर है वो एथिक्स हो गया, मोरलिटी होगी किसी बंदे का पर्सनल करेक्टरिस्टिक, उसका डिस्पोजिशन लेवल, उसको बोलते हैं हम लोग मोरल। एथिक्स तो होगा नॉर्मल बिहेवियर जिसमें सारा कुछ कवर होता है। बिहेवियर में हमारे पास जजमेंट लेवल, हमारा डिस्पोजिशन लेवल, पोजिशन लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड, वैल्यूज, प्रेडिक्शन लेवल, सब कुछ आएगा। मोरलिटी हो गया कि हमारी पोजिशन क्या है, हम लोग क्या सोचना चाहते हैं, सिंपल वर्ड बोल के हमारा डिस्पोजिशन लेवल क्या है, किसी एरिया में हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मोरल हमारे प्रिंसिपल ऑफ हैबिट्स भी हो सकते हैं, कि हमें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद, वो हमारी हैबिट्स बोल सकते हैं। उसके बाद वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये जो हमारे एथिक्स हो गए या फिर मोरल हो गए, कहाँ से आते हैं। एथिक्स तो कहता है हमारे सोशल सिस्टम से आते हैं, एक्सटर्नल बेस से। जब हम कोई भी बंदा पैदा होता है तो जैसे सोसाइटी में रहता है उसके एथिक्स अपने आप ही जनरेट होते हैं। अपने माता पिता से कुछ ना कुछ सीखेगा, अपनी सोसाइटी में जहाँ रहता है वहाँ से कुछ सीखेगा। जो मोरल है बंदे के इंडिविजुअल इंटरनल लेवल होते हैं, बंदे की अपनी सोच, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, उसको बोलते हैं उसके मोरल। वाई वी डू इट, हम एथिक्स कैसा क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले बिकॉज सोसाइटी से दिस इज देयर थिंग, सोसाइटी बोलती है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कोई भी बंदा है, मान लीजिए किसी फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसकी फैमिली ऑलवेज जो बोलेगी बच्चा वही को सीख के चलता है। लेकिन जो मोरल हैं, मोरल हमेशा ये बोलते हैं कि बिकॉज वी बिलीव इन समथिंग, जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है, तो वो मोरलिटी लेवल हो जाता है। अपने लिए सोच रहे हो तो मोरलिटी लेवल हो गया। जब पूरी लाइफ हमारी किस तरह से डिस्क्राइब की जाती है, कहाँ से क्या क्या सीखा हमने, वो सारे एथिक्स बन जाते हैं हमारे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, एथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स, हमेशा ध्यान में रखेंगे जो एथिक्स होते हैं दूसरे बंदों के डिपेंड के ऊपर ही होते हैं। जिस तरह के एरिया में आप लोग रहेंगे, जैसे आपके साथ लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके फैमिली मेम्बर होंगे, आपका लाइफ स्टाइल वैसा ही होगा, क्योंकि आप उनसे ही कुछ देख के, उनको देख कर सीखते हैं। लेकिन जो मोरल होते हैं वो हमारे कहता भी डिपेंडेंट लेवल में नहीं होते, ये कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार हमारी लेवल में रहते हैं, चेंज हो भी सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ नया अच्छा पसंद आने लगेगा तो भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग में खाएगा कुछ और, फिर जैसे बड़ा हो जाएगा आपकी सोच टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। पाँचवीं छठवीं क्लास के बच्चे को पूछो क्या पढ़ना है, कुछ भी बोल देगा मैंने ये पढ़ना है। आखिर में जाके जैसे टेंथ या फिर इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लियर करता है, फिर जाके उसका एक लेवल बनता है, उसको मार्केट में से नॉलेज मिलती है, उसको लगता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो वो मोरलिटी लेवल भी बोल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखे जो हमारे पास ओरिजिन, ये कहाँ से हमारे पास आते हैं। सिंपल पहली बात हमने पढ़ ली कि एथिक्स जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं, एक्सटर्नल बेस से आएंगे, हमारी फैमिली मेम्बर्स या फिर हमारी सोसाइटी जहाँ से हम लोग रह रहे हैं, जिस एरिया में विचर रहे हैं वहीं से निकलेंगे। मोरलिटी जो है हमारे अपने पर्सन के अपने पर हैप्स होते हैं, जो चीज़ें बनने को लगती हैं कि हमारे लिए अच्छी हैं मोरलिटी लेवल्स में आएंगे। एक्सेप्टेबिलिटी एज ए लीगल गाइडेंस बोल लो, या फिर नॉर्मल लाइफ सोसाइटी गाइडेंस के बोल लो, एथिक्स सब बंदों के पास होते हैं और सब बंदे इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। कोई भी बच्चा, मैं बोलूँ कि बंदा पंजाब में पैदा हुआ है, तो उसको पंजाबी सिखाने के लिए कोई स्पेशल स्कूल नहीं भेजना पड़ता। ऐसे लीगल रूल तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन सोसाइटी लेवल पे बंदा अपने आप ही सीख जाता है, क्योंकि जिस एरिया में रह रहा था वहीं से विचर के सीख जाएगा। कोई बंदा बाहर की कंट्री में पैदा हुआ है तो हम बोलेंगे भाई इंग्लिश बोलने लग गया छोटा सा बच्चा ही, वो उनके वहाँ के रहने के स्टाइल के अकॉर्डिंग ही हो जाता है, बंदा खुद ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
उसके बाद है मोरलिटी। मोरलिटी जो है ट्रांसेंड्स कल्चर नॉर्म्स, ये कल्चर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं मोरलिटी लेवल। जिस जिस एरिया में आप जाएंगे आपका लिविंग स्टैंडर्ड वैसा वैसा होता चला जाएगा। आप लोग अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। आप लोग बुरे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, आपकी लेवल जो बुरा ही हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे बच्चे भी हैं बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो पढ़ना छोड़ दिए, नशे नुशे में लगे हुए हैं। तो वो जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही उनका मोरलिटी लेवल बन जाता है। उसके बाद इन्होंने कोई केस स्टडी दी है, किसी भी एक पर्सन की केस स्टडी है कंपनी लेवल पे। अगर आप लगता है कि केस स्टडी रीड करने का, आप लोग रीड उसको कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स का इवैल्यूएशन क्या है? ये एथिक्स हमारे पुराने टाइम से ही चले आ रहे हैं। पुराने टाइम में ये होता था डू नॉट चीट, कभी किसी के साथ धोखा मत करो। शायद मे भी शायद आप लोगों को पता होगा कि आपके जो घर में माता पिता बैठे हैं, शायद कई बार आपको कोई स्टोरी या कुछ ना कुछ ऐसा बताते होंगे कि हमारे जो पुराने पर्सन थे, आपके दादा परदादा हो गए या उनसे भी पुराने जो थे, उन लोगों में एक प्यार मोहब्बत था। वो लोग आपस में अच्छे मिलजुल के रहते थे, कभी किसी को धोखाधड़ी नहीं करते। तो वो एथिक्स शुरू से चले आ रहे हैं, बहुत लोग तो आज के टाइम में भी उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो एथिक्स कोई आज से नहीं बनते, जब से मैं एग्जांपल फिर भी बोलूँ, जब कोई बंदा पैदा हो गया तो एथिक्स वहीं से ही जनरेट हो जाता। जैसा जैसा लेवल उसका मार्केट में उसको या फिर अपनी इकॉनमी में मिलेगा, तो वैसा वैसा ही बंदा अपनी इकॉनमी में आगे बढ़ता चले जा रहा है। 1990 में जाके बिजनेस एथिक्स स्टार्ट हुए। जैसे बिजनेस पहले तो कम होते थे, 1990 के बाद ही हमारी कंट्री डेवलप में आने लगी, हमारे पास जो है इकॉनमी में कंपनीज आई, प्राइवेट सेक्टर आया, पब्लिक सेक्टर भी चल रहा था, तो तब जाके बिजनेस कहते चला गया। बिजनेस जैसे कोई बंदा अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, सेम बिजनेस में भी लेवल बनाना स्टार्ट कर दिया कि बिजनेस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो सब लोगों को फॉलो करने होंगे, उनको बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? अभी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉर्मल कंडक्ट, नॉर्मल लाइफ में हमारे एक सिस्टम स्टडी है जिसके बारे में डील करें। तीन प्रकार के होंगे, एक नॉर्मेटिक एथिक्स होते हैं, एक अप्लाइड एथिक्स होते हैं, एक होते हैं मेटा एथिक्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग। जब हम लोग किसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, इसके बारे में आपको मे बी नॉलेज होती है। आप लोग भी लाइफ में पूरे दिन जब भी कोई नया डिसीजन लेने जाते हैं तो क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है, इसका डिसीजन क्या होता है? नॉर्म्स बेस पे होते हैं। हमें कुछ नॉर्म्स जब हमें पता होता है ये चीज़ हम सोच सकते हैं, तो इसको हम नॉर्मल या फिर नॉर्मेटिक एथिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब स्टडी ऑफ स्पेशल इशू एंड बिजनेस एथिक्स। कई बार हम लोग स्पेशल इशू में लगता है कि हमारे में कोई चीज़ बहुत सारी तंग कर रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें अप्लाइड एथिक्स होते हैं। हमने जो अपनी लाइफ में जैसे सीखा, जैसे जैसे हमारा माइंड काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास आएगी तो उसको हम कैसे डील करते हैं, इसको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। आपके अपनी हैबिट्स, आपके अपना स्टैंडर्ड, आपका अपना बिहेवियर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम देख के घबरा जाते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अप्लाइड एथिक्स होता है कि आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। लास्ट एक एथिक्स हमारे पास आते हैं मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स कॉग्निटिव स्टडी है टू अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स द रीजन एंड मीनिंग। मेटा एथिक्स के बारे में इन्होंने कोई एग्जाम्पल बोल दी तो नहीं है, इन्होंने बोले कॉग्निटिव स्टडी है। हम इसको ऐसे ही बोलें बियॉन्ड एथिक्स या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एथिकल नेशंस नोशंस इन्होंने बोले। जब आपके पास जब भी किसी बंदे की एथिक्स की बात की जाएगी, मीन्स उसका मॉरल कैरेक्टरिस्टिक, बंदे का सोसाइटी लेवल, बंदे का जजमेंट लेवल, उसके हैबिट्स इनहैबिट्स जो भी हैं, उनको जब आप साइंटिफिकली चेक करते हो, उसको बोलते हैं मेटा एथिक्स। मोस्टली कंपनी में ऐसा होता है ना, जब इंटरव्यू देने आएंगे तो वहाँ पे बंदे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाता है, साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनके पास, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस बेस पे आपका जजमेंट लेवल चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटा एथिक्स। क्या हमारे पास बंदा ऐसा काम करने वाला है जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं, तभी वो इंटरव्यू रखते हैं, तो मेटा एथिक्स वहीं से निकल के आते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखे आ रहे हैं एथिक्स एज नॉर्म मॉरल वैल्यूज। एथिक्स को मॉरल वैल्यू भी बोल सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि मॉरल वैल्यू जो है बंदा जब अपने राइट और रॉन्ग सोचना स्टार्ट कर देता है उसको लगता है, तो एथिक्स मॉरल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी है। जब बंदे के कैरेक्टरिस्टिक अच्छे होंगे तो बंदा सोच सकता है कि क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होगा ऐसा तो नहीं है अभी हमारे पास पैसा हम कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करके बैठ जाएंगे, पहले तो सोचेंगे कि एक्चुअल में ये बिजनेस करने का बेनिफिट है या बिजनेस करने का बेनिफिट नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज, दोनों में रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों क्या है, बिहेवियर के रिगार्डिंग डिसीजन ही होते हैं दोनों में, चाहे एथिक्स की बात कर लीजिए चाहे मॉरल की बात कर, दोनों में रिलेशनशिप यही है कि दोनों के ऊपर डिसीजन हमेशा बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए ही किया जाता है भी। अगर हमारे लिए बेनिफिट होगा तो हम लोग इसमें काम करेंगे, नहीं बेनिफिट होगा तो इसको हम लोग लीव कर सकते हैं। एथिक्स आर मॉरल वैल्यू इन एक्शन।
एथिक्स कहता है मॉरल वैल्यू तब हो जाते हैं जब आपको कोई एक्शन लेना होता है, मीन्स राइट रॉन्ग सोचना होता है। तो आपकी जो अपना सोसाइटी जो आपने स्टडी की होगी, आपकी फैमिली ने जो आपको कुछ सिखाया होगा कि आपको बड़े होकर ऐसा कुछ करना है, जो भी है आप उसके लिए डिसीजन लेने जाते हैं कुछ एक्शन करने, मान लो आपको प्लस टू जो आपने स्टडी स्टडी कर ली, अभी इसके बाद हमने क्या स्टडी करनी है, वो हमारे डिसीजन ही होते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि उस लाइफ में हमने आगे ग्रो करना है। तो आपके वो एथिक्स जो कुछ आप पढ़ के आए, जो आप सीख के आए सोसाइटी लेवल पे, तो उसको जब आप अप्लाई करने जाते हो राइट और रॉन्ग डिसीजन में उसको बोलते हैं। तो ये एक्शन बोल सकते हैं, एक्शन में दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। सैम्पल स्टोरी कोई बुली की एक एग्जाम्पल स्टोरी इन्होंने बताई हुई है। फिर मान लीजिए आप मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट, हम सैम्पल स्टोरी की बात कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है हम कंपनी को बेचने जाती है, तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही बार में बना देगी। आज के टाइम देखते हैं हमेशा सब कंपनियाँ पहले सैम्पल ही जनरेट करती हैं। मार्केट में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही वो सैंपल पहुंचते हैं, अगर उनको लगता है कि वहाँ पे अगर बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज के वो छोड़ देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। दोनों में कहता भी कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, वराइटी ऑफ वेज बोल सकते हैं भाई। एथिक्स को इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया, मॉरलिटी को अलग तरीके से डिफाइन किया, तो वराइटी ऑफ वेज में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है एथिक्स में तो बंदे का सोसाइटी लेवल बता दिया, मॉरलिटी में बता दिया कि बंदे की खुद की जजमेंट। दोनों में जब डिफाइन करने बैठेंगे दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, बंदा मार्केट से क्या क्या सीखता है, सोसाइटी से क्या क्या सीखता है, उसमें बंदे के अपने जजमेंट क्या होंगे, करेक्टरशिप क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, क्या बंदा उसके राइट रॉन्ग सब कुछ देखेंगे। तो वैरायटी ऑफ वेज से हम लोग इन तरह कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया जा सकता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। कानून और एथिक्स में क्या डिफरेंस होगा, लॉ जो एक सिस्टमेटिक बॉडी है जो हमारी इकोनॉमी में होती है, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए होंगे वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एथिक्स क्या होंगे, एथिक्स में उन्होंने पहले पढ़ लिया कि हमारे एक नॉर्मल फिलोसफी है जो हम लोग सोसाइटी से हम लोग सीखते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या था, व्हाट इज इट, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन द्वारा उन्होंने बताया एक सेट होता है जो गवर्नमेंट बनाती है। हम इंडिया इकोनॉमी में रह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल हैं कि जो बंदा इंडिया में आएगा उसका जन्म बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए भाई, जैसे बड़ा हो जाएगा उसका आधार कार्ड बनना चाहिए, और जो जो प्रूफ टाइम के अकॉर्डिंग बंदे की रिक्वायरमेंट होने चाहिए। सेम एथिक्स के हैं, एथिक्स हमने बोला कि हमारे लीगल्स इंडिविजुअल प्रोफेशनल लॉज हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे जैसे हम लोग सीखते चले जाएंगे। उसके बाद जो लॉ हैं कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। जो एथिक्स हैं हम कहाँ सीखते हैं, हमारे एथिक्स हम गवर्नमेंट नहीं बनाती, हम लोग अपनी लाइफ से ही सीखते हैं, हमारी फैमिली से सीख सकते हैं, सोसाइटी से सीख सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल से सीखते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन लॉज जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, जो गवर्नमेंट कानून जो बनाती है, इनको कहता है पब्लिक फॉर्म में लेके आती है पब्लिश। हमेशा गवर्नमेंट जब कोई नया कानून बनाएगी उसकी कॉपी बनाती है, संसद में पास करती है, सब लोग देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, पब्लिश होता है सब लोगों के लिए। लेकिन जो एथिक्स होते हैं सभी के लिए पब्लिक नहीं होते। आप लोगों के जैसे नहीं है कि आप किसी इकोनॉमी जब मैंने एग्जाम्पल कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको पहले पढ़ने सिखा देंगे, साथ साथ फैमिली में उसकी फैमिली जैसे बिहेव करते चले जाएगी बंदा वहाँ से सीख चल जाएगा। आप लोग हमारे यहाँ पे जैसे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को बाहर की कंट्री में क्या है, बाहर से बंदा आया तो उसको हेलो हाई करना सिखाते हैं, हमारे यहाँ पे क्या सिखाते हैं, बेटे बेटे मुंह से ऐसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, हमारे यहाँ पे जैसे सिखाएंगे बच्चे वैसे ही चलते जाएंगे। तो एथिक्स गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश फॉर्म में नहीं होती, आपको फैमिली में नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बंदा सीखता है। उसके बाद वायलेशन का मतलब तोड़ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं अगर तोड़ेंगे तो भाई गवर्नमेंट हमें पेनल्टी लगाएगी, हमें ऊपर सजा वगैरह भी हो सकती है। लेकिन एथिक्स में तोड़ने का कुछ ऐसा नहीं था, एथिक्स में इनको तोड़ने के कोई आपको वायलेशन करने की कोई आपको सज़ा नहीं मिलती। आप लोग क्या अपनी फैमिली में सीख गए हो, कल को आके उसको फॉलो कर रहे हो कर रहे हो, उसकी कोई सज़ा नहीं है। फैमिली मेंबर क्या होंगे, चलो भाई हमारा बच्चा ही है, कोई बानी जो कर रहा है करो, वैसे ही बोल देते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का कहता कानून बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ताकि सब लोगों का मार्केट लेवल जो है एक जैसा हो, सब लोग इकोनॉमी एक जैसे बिहेव किए जाएँ। जो हमारे पास एथिक्स बनते हैं हमारी फैमिली के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि फ्यूचर बनते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो ब्राइट है उसको आज अच्छा सिखाएंगे, फ्यूचर में भी अच्छा ही करता चला जाएगा। उसके बाद कहता भी इसके बाइंडिंग क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। यस, हमारी इकोनॉमी में जितने पर्सन हैं बाइंडिंग है, सब लोगों को इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जीना ही पड़ेगा। आप लोग बाहर की कंट्री में चले जाओ, दूसरी कंट्री के जो रूल्स होंगे आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, हमारी कंट्री में जो रूल है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन जो एथिक्स हैं बाइंड नहीं होती, ये बंदा खुद सीखता है। अगर हम लोग किसी चीज़ बंदे को अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा सीखेगा, बुरा सिखाएंगे तो बुरा सीखेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। ये था आपका फर्स्ट टॉपिक्स जो एथिक्स वाला हुआ खत्म। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट ऐसा है पूछने वाला तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बिजनेस एथिक्स। पहले हमने नॉर्मल एथिक्स की बात हुई है, अभी किसी बंदे की पर्सनल लेवल की बात की गई, अभी आ रहे हैं बिजनेस एथिक्स। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जैसे एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी बंदे का बिहेवियर है जो सोसाइटी सीखते हैं, वैसे बिजनेस के भी अपने एथिक्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं।
कोई भी बंदा, आज मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा एक रूल होगा कि मेरी कंपनी में जो पर्सन काम करने आएंगे इतने बजे आएंगे, इतने बजे उनकी छुट्टी होगी, पूरे जितना टाइम ड्यूटी है उसमें कितना टाइम उनको काम करना होगा, कितना टाइम उनको फ्री में भी मिलेगा, सैलरी जो मैं पे करूँगा किस हिसाब से मिलेगी, मेरी कंपनी में काम करने के रूल से जो मेरी ड्रेस है वो पहननी पड़ेंगी, अगर नहीं कोई बंदा पहन रहा, छुट्टियाँ जो है मेरे हिसाब से करनी पड़ेंगी, उसको हम बोलते हैं रूल्स, वो बिजनेस के एथिक्स होते हैं। जब भी कोई बिजनेस आता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें पहले ही बन जाती हैं, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एथिक्स एक बार जो बिजनेस में बन गए वो सेम ही रहेंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम लोग इसमें चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट में सिचुएशन ऐसी आई है कि हमें अपने वर्किंग टाइम में चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने होंगे, हमें लगता है कि मार्केट में चेंजेस ऐसे हैं कि इम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ानी है तो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये सारे एथिक्स वैसे हिसाब से चलते हैं। बिजनेस एथिक्स पॉइंट क्लियर हो गया, बिजनेस के अपने इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, बिजनेस की अपनी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो बिजनेस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। बिजनेस के एथिक्स जो हैं, आगे उन्होंने बोला अभी फीचर्स क्या हैं, फीचर्स की बात करें मीन्स बिजनेस के करैक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, ये तीन तरीके से देखे जाएंगे। बिजनेस एथिक्स में फीचर की बात करें तीन तरीके से देखा जाएगा। सबसे पहले फीचर्स आ रहे हैं सिस्टमैटिक एथिकल इश्यूज। जब हम लोग किसी इकॉनमी में पॉलिटिकल लेवल में या फिर अदर स्ट्रक्चर में देखते हैं हमारी इकॉनमी में किसी कंपनी को कौन कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग इशू जो है डील करने पड़ते हैं, इसमें फीचर्स आते हैं ना। अभी मान लो कोई बिजनेस आया है उसको पॉलिटिकल लेवल भी देखना होगा, जहाँ पर वो कंपनी लगी है उसका सोसाइटी लेवल भी देखना होगा, और जो बंदे उनके साथ काम कर रहे हैं उनके लेवल भी उनको देखना होगा, तो इस फीचर्स में देखते हैं। क्योंकि बिजनेस एथिक्स किसी एक तरीके से नहीं बनते, हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग में चलना पड़ता है। दूसरा कॉर्पोरेट एथिकल इशू। कॉर्पोरेट एथिकल इशू का मतलब जब कोई कंपनी आई है तो उसमें इंडिविजुअल कंपनीज हैं, उनकी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मार्केट इकोनॉमी की कंपनी है हमें भी उसके हिसाब से कंपनी चलानी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते सभी कंपनियां 9 बजे स्टार्ट होते हैं, आप बोले मैं तो सुबह 5 बजे स्टार्ट करूँगा, इंप्लॉई ही नहीं आएंगे, सबका अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई, उसी हिसाब से बंदे काम करेंगे, क्योंकि हर एक बंदे को अपनी नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो एथिक्स हमें साथ में फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरे हैं कॉर्पोरेट एथिकल इशू, इंडिविजुअल एथिकल इशू। इंडिविजुअल एथिकल हर एक बंदे के अपने एथिक्स हैं, जो भी बंदा मार्केट में इकोनॉमी में जब आएगा तो उसको सब चीज़ें सीखनी पड़ती, क्योंकि हर एक बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख आया होगा, हर एक बंदे ने अपनी लाइफ में अलग अलग स्टडी की होगी, हर एक बंदे की अपनी सोच है, उसके अपने हैबिट्स हैं, उसी हिसाब से बंदे को चलना पड़ता है। कोई बंदा ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं अपनी मनमर्जी से जो कुछ मर्जी चाहूँगा वो कुछ कर लूँगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारे इशू किसी भी इकॉनमी में आते हैं। बिजनेस एथिक्स के फीचर्स में हम बोल सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके ही बनाए जाते हैं। बिजनेस एथिक्स के इंपॉर्टेंस या फिर फीचर्स की बात करें, सीधा इंपॉर्टेंस एक ही पॉइंट है, बिजनेस में एथिक्स होंगे तो क्या होगा, एक तो बिजनेस एथिक्स में कम्युनिकेशन लेवल बना रहेगा, तो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे। आपके यहाँ बुक में इन्होंने कुछ पॉइंट नहीं लिए दिए, सीधे पैराग्राफ ही लिखे हैं, आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला। सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन लेवल बना रहेगा। अगर बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिजनेस के रूल्स एंड सब लोग फॉलो करेंगे, तो सब लोग आपस में कम्युनिकेशन लेवल में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, कंपनी के जो भी इशू आएंगे उनको इजीली बेस पे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन लेवल बना रहेगा, सब लोग जो है कोऑर्डिनेशन लेवल में काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम किया जाएगा। लेबर टर्नओवर कम होगी, अगर बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे लेबर टर्नओवर कम होगी, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में ज्वाइन करने जाता है तो पहले से ही देख लेता है अभी इस कंपनी में काम करने का उसको बेनिफिट है या नहीं है। हर एक कंपनी के अपने एथिक्स बने हुए हैं, अगर बेनिफिट अच्छे लगते होंगे तो एम्प्लॉई जुड़े रहेंगे, नहीं तो लेबर छोड़ के जाना स्टार्ट होगी, तो लेबर टर्नओवर भी कम हो सकती है। अपना जो प्रॉफिट लेवल है वो भी इंक्रीज़ किया जा सकता है बिजनेस एथिक्स से। बिजनेस के एथिक्स बने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, सब लोग फॉलो करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे और बिजनेस प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, परफॉर्मेंस लेवल बोल सकते हैं, या फिर मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होगा। कंपनी में जो भी पर्सन काम कर रहे होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेंगे, कंपनी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, तो सब लोगों का मोटिवेशन लेवल भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लगातार फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ये भी हम लिख सकते हैं, ऑलवेज मार्केट में ग्रो करेगी वो कंपनी जब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलती है। बिजनेस में वैरायटीज सब सिग्निफिकेंट लेवल हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी लिखा कि हमारे डिसीजन मेकिंग लेवल भी इंक्रीज होगा। बिजनेस अगर रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा तो डिसीजन मेकिंग भी इजीली बेस पे हो सकती है। इकॉनमी में या फिर मार्केट में हमारी ह्यूज पावर हो जाएगी, ऐसा भी इन्होंने एक पॉइंट लिखा है। बिजनेस हैज ह्यूज पावर विद इन द सोसाइटी, सोसाइटी में एक हमारी ह्यूज पावर हो जाएगी अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, जो चीज़ें सब लोगों के जरूरी हैं अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सब लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़ना स्टार्ट होंगे, हमें इस मार्केट में हमारा नेम एंड फेम इंक्रीज हो जाएगा।
हमारे पास इंडिविजुअल कम्युनिटीज इन्वायरमेंट कैन ऑल सफर ग्रेटली एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस मेल प्रैक्टिस। अगर हमारी इकॉनमी में इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे या इन्वायरमेंटल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इजिली बेस पे सफर किया जा सकता है अगर बिजनेस के एथिक्स बने, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं। जो भी हर एक बंदे की अपनी कमियाँ होती हैं, जब उन्हें लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इकॉनमी में, उन चीज़ों को इजिली बेस पे डील किया जा सकता है। अगर बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं तो बंदा उसमें फेल होगा ही होगा। प्रेशर ऑन बिजनेस टू एथिकल फॉर्म इन नोमेरस स्टेक होल्डर्स। कई बिजनेस के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं भाई। सबसे पहले स्टेक होल्डर की बात करते हैं, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया उनका प्रेशर क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है? बिजनेस एथिक्स से ही कमाया जा सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई कंपनी काम करेगी, प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मीन्स जो स्टेक होल्डर का प्रेशर है उसको इजीली बेस पे होल्ड किया जा सकता है। मार्केट में हमारे पास ऐसी चीज़ें जिनको डिफिकल्ट टू मीट होता है। कई बार कंपनी में ऐसे काम होते हैं जिनको कराने के लिए बहुत सारी मुश्किल हो सकती है। मैं बोलूँ प्रॉपर एम्प्लॉय हायर करने की मुश्किल है, तो उन चीज़ों को भी प्रॉपर तरीके से डील किया जाता है अगर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगी। एम्प्लॉयज आर दी अंडर ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑफ द लोअर देयर द एथिकल स्टैंडर्ड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयज़ को डील करना पड़ता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो सोच के साथ, कोई मोस्टली लेबर में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेबर वाले की सोच में चलते हैं कि बस हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें पैसे मिल रहे हैं। कंपनी को इन चीज़ों के साथ सफर करना पड़ता है, तो कंपनी इन चीज़ों को भी डील कर सकती है। एम्प्लॉयज बहुत प्रकार के आते हैं, सारे एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं होते कि काम को अपना मान ली भगवान ही मानने वाले हैं, जो काम मुझे करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जितना टाइम निकाल सकते हैं निकालो भाई। जैसे मे बी आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा 8-9 हमारे टाइम पीरियड्स क्लास लग रहे हैं लेकिन लगाते नहीं थे। मिस करो, जो कुछ मर्जी कर लो, उसका होते स्कूल वाले क्या हैं उन चीज़ों को डील करने के लिए क्या करते थे, सेलेक्शन बनाते थे भाई नहीं आओगे तो जुर्माना लगेंगे। बिजनेस वालों को इन चीज़ों से डील करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल से आएंगे, उनको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसके लिए बिजनेस एथिक्स होना भी जरूरी। देयर इज़ ए लैक ऑफ ट्रस्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में ट्रस्ट एक बहुत बड़ी कमी है। सब लोग ट्रस्ट बेस पे काम कर लेंगे हो नहीं सकता, तो वहाँ पर बिजनेस एथिक्स ही काम आते हैं कि अगर बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए सभी बिजनेस के लिए और सभी बिजनेस को फॉलो करने पड़ेंगे, तो सभी एम्प्लॉयज कंपनी में जाएंगे। अगर हर एक बंदा बोले कि कंपनी चलाऊंगा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ी कमी है। लोगों का ट्रस्ट ही नहीं बनेगा आपके बिजनेस में। वो ट्रस्ट कैसे जनरेट हो सकता है? बिजनेस से ही, बिजनेस में जो एथिक्स हैं उनसे ही जनरेट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के अपना कल्चर उनको पता होगा, सब लोगों का बिजनेस मार्केट में कैसा चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो लोग उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद लिखा कि चैलेंजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के चैलेंजेस क्या हैं? उन्होंने सबसे पहले पॉइंट लिखा कि अप्लाइंग एथिकल कंसेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन। कंपनियों में एथिक्स को अप्लाई करना बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। क्यों चैलेंजेस होता है? सबसे पहले तो इंडिविजुअल बिहेवियर, जो बंदे हमारी कंपनी में काम करने आएंगे उनके बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कोई बंदा धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग सोचता है, कोई बंदा अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सोचता है, हर एक बंदे के अपना करेक्टरिस्टिक और एज, उसका टेम्परमेंट लेवल, उसके हैबिट्स, उसके परसेप्शन लेवल्स, मोरलिटी लेवल्स, सब कुछ अलग अलग होते हैं। उन सब चीज़ों को एक दिशा में लेके आने के लिए बिजनेस एथिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मान लो मैंने 10 एम्प्लॉयज हायर कर लिए, 10 में 4 पर्सन ऐसे हैं जो टाइम खराब करने वाले हैं, तो उनको कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं? जैसे स्कूल में एडमिशन चलती है, मैं सिंपल हम स्कूल की लाइफ के ऊपर बात करते हैं, स्कूल में एडमिशन होती है, वैसे स्टूडेंट्स को पहले चेक तो करते नहीं है, एडमिशन हो जाती है, फिर उनको बाद में पता लगता है जब 1-2-3 क्लासें लग जाती हैं कौन से स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर आने वाले हैं। जो बंदे ख़राब करने वाले आते हैं उनको सेट करने के लिए चैलेंजेस तो होती हैं कि सारी क्लास भी ख़राब हो सकती है, उनको कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। सेम वैसे ही बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप लोग अप्लाई करने जाओगे एक ही एथिक्स कॉर्पोरेशन में तो मुश्किल हो सकती है। सब लोगों की अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक दिशा में लेके आने के लिए काम करना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग कहता कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, दोबारा से वही पॉइंट आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग चैलेंजेस ही होते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि अलग चीज़ होगी। रियलिटी एंड डिस्कस इन सेक्शन। आर्ग्यूमेंट वैसे भी बोल सकते हैं कि बंदा टेबल पर बैठ कर रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगा लेकिन रियलिटी तो मार्केट में जाके पता लगता है। मैं एग्जाम्पल बोलूँ, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि हम लोग ये कर देंगे, एक्चुअल तो रियल में जाके जब हम रियल मार्केट में आएंगे तब जाके हमें पता लगेगा अभी ये चीज़ कैसी है। मैं बोलूँ आप लोग घर बैठे बोल दो कि मैं मार्केट से सामान 100 रुपये का ले आऊँगा, वो तो आपकी अपनी सोच है ना, आपको ऐसा लगता है कि 100 रुपये मिल जाएगी, रियलिटी तो मार्केट में जाके पता लगेगी। कोई बिजनेस एथिक्स में सेम ऐसे आर्ग्यूमेंट भी जनरेट होते हैं। इन्होंने लिखा भी है, इन परफेक्टली कम्पिटिटिव फ्री मार्केट्स परस्यूट ऑफ प्रॉफिट विल बी इटसेल्फ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर सर्व्ड इन द मोस्ट सोशल बेनिफिशियल वेज।
अगर परफेक्ट कंपटी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट समझते हो, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, हमने शायद पढ़ा भी हुआ है, जहाँ पे लोग कहता प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वहाँ पे कहता अगर सोसाइटी अच्छे तरीके से काम करे तो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। मीन्स जो बंदे एम्प्लॉयज कंपनी वाले काम कर रहे होंगे एम्प्लॉयज, तो बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से काम करें। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट के इसमें क्या निकलता है, अभी ज़रूरी है कि जो मार्केट है वो परफेक्टली कम्पिटिटिव होगी? हम ऐसा तो नहीं कह सकते। आप जिस मार्केट में जा रहे हो सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट ना हो। आप लोग घर पे बैठ के सोच लिए, एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि आप बोलोगे मार्केट में सामान लेके आऊँगा मेरे को 100 रुपये मिल जाए, तब मिल सकता ना कि अगर वहाँ पे कंपटीशन लेवल होगा, एक ही गुड्स को बेचने वाले बंदे ज़्यादा होंगे। अभी बंदा वहाँ पे एक ही पर्सन ऐसा बैठा है जिसके पास वो सामान है, अगर वो बोलेगा मैं तो 200 को बेचना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो ये एथिक्स आते हैं, एक तो कहता परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, तब बिजनेस जो है ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा अजम्पशन लिखे कि एनी स्टेप टेकन ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट विल नेसेसरी बी सोशली बेनिफिशियल। ये अजम्पशंस है। कोई भी कहता अगर आप लोग प्रॉफिट के परमिशन चाहते हो, हमेशा पब्लिक के लिए देख के चलना पड़ेगा। आप लोग सोशल बेनिफिट दोगे तब भी कंपनी का बेनिफिट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो एम्प्लॉयज़ हैं भी लगातार उनके लिए काम करोगे तभी बेनिफिट होगा। कई बार कंपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग भी काम करे तो भी अच्छे। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आप कंपनी में स्टैंडर्ड सेटअप कर लो, एम्प्लॉयज़ को बोल दो कि स्टैंडर्ड से काम करना होगा, वो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की कंडीशन एम्प्लॉयज़ की मानी जाए। एम्प्लॉयज़ तो बहुत कुछ बोलेंगे, तो उनकी डिमांड तो बहुत कुछ होगी, कंपनी सब कुछ तो नहीं फिल कर सकती है। कल को एम्प्लॉयज़ आज हम 10,000 रखा है, कल को बोले मुझे तो 15,000 चाहिए, हम प्रॉफिट कैसे कमा लेंगे? नहीं कमा सकते। तो वहाँ पे बिजनेस एथिक्स में ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि जरूरी नहीं कि सोसाइटी के ऊपर ही चलना होगा, उसमें हम लोग अलग भी काम कर सकते हैं। तीसरा लिखा कि बाय प्रोडक्टिव वट एवर द बाइंग पब्लिक वांट्स और वैल्यूज फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग वट आर देयर सोसाइटी वांट। कहता भी लोग क्या खरीदना चाहते हैं उसको हम देख के चलें या वैल्यू अकॉर्डिंग हम चलें। फर्म हमेशा कहता वो गुड्स बनाएंगी जो सोसाइटी वांट करती है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग, जरूरी भी ऐसा नहीं है। कई बार लार्ज सेगमेंट ऐसा मान लो हमारी कंपनी लगी है सानेवाल में, मैं सानेवाल के लोगों को देख के चलूँगी, जो सानेवाल के लोग ये खरीदेंगे मैं सिर्फ तभी काम करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सानेवाल में कंपनी लगाई है, ज़रूरी नहीं है कि सानेवाल के लोगों के लिए ही सामान बनाना है। आप लोग लार्ज सेगमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, मुझे पूरा लुझाना देखना पड़ेगा भाई, तब जाके मेरा बेनिफिट हो सकता है। प्रॉफिट कमाना तो हमें सिर्फ एक लेवल पर नहीं सोच सकते, हमें लेवल चेंज भी करना हो। आगे की उन्होंने आर्ग्यूमेंट और भी दिया है। सेकेंड काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट समटाइम एडवांस टू शो द बिजनेस मैनेजर शुड सिंगल माइंडली परसू इंटरेस्ट ऑफ देयर फर्म्स। हम ये बोलें कि किसी बिजनेस को चलाना है तो सिंगल माइंड के ऊपर काम कर लें, एक बंदे को मैनेजर बना दें, अगर वही बंदा सारे काम करेगा तो बिजनेस प्रॉफिट कमा सकता है। आज का टाइम ये बोलता है जहाँ से नॉलेज मिलती है। मैं तो एग्जाम्पल बोलूँ कि आपके पास कोई नॉलेजफुल पर्सन मिलते हैं, अगर नॉलेज मिल रही है तो उनसे नॉलेज ले लो, उसका बेनिफिट आपको होने वाला है। अगर नॉलेज को नहीं यूज़ करोगे तो आपको नुकसान उसका हो गई होगा। जैसे जापानीज जापान की कंपनी है, वो क्या करते हैं कि जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं उनको उठाएंगे और आगे लेके जाएंगे। उनको लगता है कि इनको यूज़ करने के हमारी इकॉनमी डेवलप होगी, हमारी कंपनी भी अडॉप्ट होगी। हमारे इंडिया में क्या होते हैं, टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट दोनों चीज़ों को काम करते हैं। अमेरिका में क्या है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट रोल बनाती है। जापान इसलिए भी आगे है कि लोअर लेवल के लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जो जो नॉलेजफुल पर्सन हैं उनको पकड़ो, उनकी नॉलेज को यूज़ करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। इसलिए जापान जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं बोलता कि मैनेजर जो रख लिया वही सारे काम करेगा, वो बोलता है कि जो मैनेजर तो है ही है लेकिन जो पर्सन कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो स्किलफुल हैं उनको भी साथ में बढ़ा के चलो। तो ये भी बिजनेस में कैसा चैलेंजेस आते हैं कि सिर्फ एक पर्सन के ऊपर आप रख के चलोगे काम तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आपको सभी लोगों को अपने साथ लेके चलना होगा। ये था आपका टॉपिक्स, लास्ट सिक्स में था बिजनेस एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हम लोग कल बात करते हैं, वैसे टॉपिक हुआ आपका खत्म, कोई पॉइंट होगा तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।